आप देख सकते हैं मेरे पीछे वियना का राजन राट काफ़ी पुराना है, काफ़ी हिस्टोरिकल भी है। एक्चुअली इसका जो फाउंडेशन रखा गया था वो 19वीं शताब्दी में रखा गया था, लगभग 1880 के आसपास यहाँ के जो किंग थे उन्होंने बनवाया था इसे। अभी प्लान ये है कि हम इसके अंदर जाएं और जाकर इसको देखें। अंदर जाने का भी इसमें टिकट है, होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मज़ा आएगा। देखते हैं, मैं फटाफट रोड क्रॉस कर लेता। सो आप देख सकते हो ये जस्ट लाइक अ डिज्नी पार्क है, जो डिज्नीलैंड है पेरिस में, जहाँ हम पहले जा चुके हैं। मैं आने वाले वीडियोस में मैं उसका वीडियो लिंक डाल दूंगा नीचे, आप देख सकते हो वो वाला वीडियो। आप सामने देख सकते हैं कि ये बड़ा फेरी विल है। सो हम देखते हैं इस पे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। काफ़ी बड़ा पार्क है, चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। सो सामने टिकट का काउंटर है, अभी हम टिकट लेने जाते हैं, देखते हैं कितना पैसा लगेगा इसमें। शायद मेरी जानकारी के हिसाब से 13.5 यूरो है बड़े का और उस हाफ प्राइस है छोटों का। सो अभी हमें पता चला कि अंदर जाने का कोई टिकट नहीं है, हम भी काफ़ी सरप्राइज हो गए। और अंदर चल के देखते हैं क्या क्या कुछ देखने को मौका मिलेगा। वेल, जो टिकट काउंटर पे बंदे बैठा हुआ था उसने बताया कि सेपरेट टिकट्स होएगा कुछ कुछ सेक्शंस में, जहाँ पे हम डायरेक्टली वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हैं। चलिए अभी अंदर चलते हैं। सो आप देख सकते हो मेरे सामने, जस्ट सामने, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये मैडम टुसार्ड्स का वैक्स म्यूजियम है। तो वहाँ पे जाने का हम सोच रहे हैं। और इसके अलावा जैसे अभी आप घुसेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे इस तरह का कुछ व्यू है सामने में। राइट हैंड साइड पे कुछ ईटरीज है, ईटिंग का एरिया है। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ गो कार्ट का सेक्शन है, और शायद माय किड्स ऑल्सो वांट टू गो देयर। जाना है क्या? कैसे जाते हैं कुछ पता है? क्या पे करना होगा? सो जो दर्शक यहाँ पे आना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, तो सजेशन होगा कि यहाँ पे जरूर आइए और अपने बच्चों को लेके आइए। आई थिंक यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे बिताया जा सकता है, यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स है। अभी हम अंदर की ओर जा रहे हैं, वाटर स्लाइडिंग का जोन है जहाँ पे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे स्लाइड करते हुए। अभी यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, टिकट लेते हैं फिर अंदर की ओर जाते हैं।
तो अभी हम आगे आगे की ओर जा रहे हैं। मैं आपको फर्दर दिखाता जाता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन ये एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली बच्चों के लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अंदर आने का टिकट कुछ भी नहीं है, बस जैसे जैसे आप डिफरेंट सेगमेंट में जाते हैं वहाँ पे आपको इंडिविजुअल टिकट बाय करना होगा। कहीं पे 5 यूरो है, कहीं पे 2 यूरो है, कहीं पे 3 यूरो है, और आप यहाँ बाय कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का आनंद उठाइए। तो प्लान है इस वाले हम रोटेटिंग झूले में झूले टॉप पे जाके जा रहे हैं हम वहाँ पे, और वहाँ से टिकट लेके हम जाएंगे। मीनवाइल मैंने देखा है कि कुछ मशीन्स यहाँ लगी हुई है, पेंडिंग मशीन्स, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको 2 यूरो, 5 यूरो, 10 यूरो, 20 यूरो, 50 यूरो का आप कॉइन डाल सकते हो और अपना मन पसंद टॉय यहाँ से निकाल सकते हो। मुझे लगता है कि ये वाला जोन जो है इसमें खाने पीने की भी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। यस, वी आर वेरी नियर टू दिस प्लेस। तो मैंने टिकट बाय कर लिया है। या अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। प्लान है कि ऊपर मैं अपनी एडवेंचरस ट्रिप राइड के लिए। लेट्स सी हाउ यू फीलिंग राइट नाउ राज। Okay, let's see his reaction when he comes down. He's gonna have fun, no worries. Let's go up, 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 up there. And then. All set. Good luck. Back at the end of. And here the ride begins.
ore. सोलो जो बैठे ये रे बाबा रंग बैग का देखते रहे ना बेटा इट मस्ट बी मेकिंग एवरीबॉडी डिजी दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग नॉट श्योर I think they are coming down. Now they're coming down, down, down. And finally. All okay? Yes, sir. फिर से जाओ ऊपर कह रहे नहीं कम से कम होता है कि वो बंद हो गया So, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये हॉर्स राइड का सेक्शन है आप 4 यूरो पे कीजिए और हॉर्स राइड का मजा लीजिए Ready? Ready? आज गियर अप होते हुए हेड गियर पहन लिया है नाउ ही इज गोइंग टू सेलेक्ट हिज आउटो आई थिंक आई एम कमिंग ओके आउटो इज 19 And they are going through this track. Oh, ये राज का फर्स्ट टाइम है. Oops. Lap one.
हाँ जी, मे बी इज अ प्रोफेशनल. Papa is just enjoying, he's not racing with anybody. End हो गई, देखो रेस इज एंडिंग ना. तो चलते चलते अब हम दूसरे एरिया में आए. आप देख सकते हैं इस नेक्स्ट जनरेशन गो कार्ट. अभी जस्ट मैंने गो कार्ट का मजा लिया. अब मैं देखता हूँ आगे क्या कुछ देखने को मिलता है. अभी इस सेगमेंट इस सेक्शन में मुझे ज्यादा तक समझ में आ रहा है यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का सेक्शन है, ताकि आप टिकट लेके अंदर की ओर जाओ और कुछ हैव अ फन रिलेटेड टू वाइल्ड एनिमल्स, डायनासोर्स या और भी दूसरे एनिमल्स होंगे उनका उनको देख सकते हैं.
सारा समय बिताने के बाद लगभग हम आए थे 3 बजे के आसपास और अब बज गए हैं शाम के 8, और आप देख सकते हो अंधेरा भी हो गया है और सारी लाइट्स भी ऑन हो गई हैं और हमने काफ़ी फ़न किया है सारा दिन, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे सेक्शंस में हम गए हैं यहाँ पे हर तरफ। इसी के साथ मैं अब ये वीडियो बंद करता हूँ, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इसको शुरू से अंत तक देखिए और प्लीज़ अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। मैं समय के साथ अपने कंटेंट क्रिएशन के स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं नया कंटेंट बनाता जाता हूँ, नए नए ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन को आपको दिखाता जाऊँगा। आप प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया को बताइए हमारे बारे में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।